पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 95,307 पॉइंट की सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नेशनल एक्शन प्लान की अपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। जरा के मुताबिक अपेक्स कमेटी इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की खराबी सेहत के बाद मौखर किया गया। इजलास की नई तारीख और वक्त का तयन जल्द किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल अपेक्स कमेटी का इजलास आज दिन 2 बजे तलब किया था। भारत के बजाय मगरबी हवाएं आने से लाहौर मुल्तान दीगर शहरों में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। स्मॉग के पेश नजर स्कूल बाजार और पार्क समेत तफरी मकामात पर पाबंदी में तौसी। हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई कमरा अदालत में पेश होंगे। बुशरा बीबी समाअत के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगी। सिंध हाई कोर्ट में मजार के सामने गैर कानूनी तामीरात का मामला। दरख्वास्त गुजार ने मौके इख्तियार किया कि जमशेद टाउन के प्लॉट नंबर 211 पर गैर कानूनी प्लाजा तामीर किया जा रहा है। बुकिंग के लिए इश्तहारात जारी कर दिए गए। अदालत ने रिमार्क दिए कि इश्तहारात जारी करने से क्या होता है। वकील ने जवाब दिया कि आम शहरी समझता है कि इश्तहार जारी हुआ है तो मामला कानूनी होंगे। अदालत ने रिमार्क दिए, प्यार और पाकिस्तान सब में सब कुछ जायज है। अदालत ने मजीद दलाइल दिए कि तलब करते हुए समा 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। बच्चे मेरी रेड लाइन है, इनके खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज को बच्चों पर तशद्दुद इस्तेहसाल और बदसलूकी के तदारुक और बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि वालदैन बच्चों को महफूज माहौल फराहम करें, खुलकर बात करें और ख्याल रखें। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज, कौमी टीम वर्ल्ड कप से बचने के लिए जोर लगाने लगी। मैच दोपहर 1 बजे हॉबर्ट में खेला जाएगा। सलमान अली अख़ा पाकिस्तानी टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद रिजवान की जगह हसीबुल्ला खान को टीम में शामिल कर लिया गया। कैंगरूज को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।